अस्तु सतरूपायां तिस्र कन्यांस जगनिरे आकूति दे बहूतिश प्रसूति रित विश्रुता। आपने महाराज बीच वाली पुत्री देवहूति के बारे में कथा श्रवण की। मनु महाराज के दो पुत्र प्रियव्रत उत्तान पा आकूति देवहूति प्रसूति। मनु महाराज की शत्रुपा के गर्भ से आकूति देवहूति प्रसूति और दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तान पा, इन्हीं के वहां पर कह रहे हैं कि जो पुत्र का धर्म की विधि से रुजि प्रजापति के साथ आकूति का विवाह हुआ और इनके वहां पर एक जोड़ा उत्पन्न हुआ जिसे यज्ञ यज्ञ नारायण और लक्ष्मी स्वरूप पुत्री प्राप्त हुई। ऐसे मनु महाराज के द्वारा सृष्टि का आगे की महाराज जो कथा है। प्रियव्रत उत्तानपाद नामक दो प्रतापी राजा हुए। या करदमस सुता प्रोक्ता नव ब्रह्मर्षि पत्नया ताशाम प्रसूदि प्रसवम प्रोच्यमानम निबोधमे। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि करदम सुता, करदम जी की नौ पुत्रियां हुई थी, वो ब्रह्मा जी के नौ पुत्रों के साथ जिनका विवाह हुआ और किसके साथ विवाह हुआ ये कथा आपने अभी सुनी थी। सज्जनों, एक इनकी पुत्री थी जिनका नाम था अनुसुईया, जो अत्रि महाराज के लिए विवाही गई थी। ब्रह्मणाम नोदितम सृष्टा ब्रद ब्रह्म विद्वान चरह। सज्जनों, यहां पर जो अनुसुईया महारानी अत्रि महाराज की पत्नी थी, इनकी कथा को यहां पर चतुर्थ स्कंद में स्वयं सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि उन्हीं अत्रि महाराज के ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों बालक बनकर के आए। परीक्षित महाराज ने पूछ लिया, प्रभु एक बात बताओ, अभी आपने कथा सुनाई कि कपिल भगवान स्वयं भगवान कपिल बनकर के आए थे और अब आप कह रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही अनुसुईया महारानी के गर्भ से और भगवान की इनके घर में आए, कारण क्या है? प्रभु भगवान को क्या आवश्यकता पड़ी कि यहां पर उनको पुत्र बन के आना पड़ा? तब महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। यथा कृतस्ते संकल्पो भाव्यम तैनेव नान्यथा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित तुम्हारे प्रश्नों का अवश्य जवाब दूंगा। सज्जनों, अनुसुईया महारानी इतनी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी कि जब अपने तन मन वचन से केवल पति को ही सर्वस्व मानती थी। एक दिन नारद जी भ्रमण करने के लिए आए यहां पर और नारद जी ने अनुसुईया मैया का पतिव्रत धर्म को देखा। सज्जनों, नारद जी केवल एक ही बात को ध्यान रखते हैं कि ऐसे महापुरुष और ऐसी स्त्रियों का त्रिलोकी में और प्रचार होना चाहिए, इसलिए यही नारद जी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को फैलाने के लिए प्रचार करने के लिए और सीधे कहां गए? ब्रह्मलोक में। और वहां पर ब्रह्माणी मिली, ब्रह्माणी जी ने नारद जी का स्वागत किया। नारद जी, भैया आजकल आप दिखाई नहीं देते हो, हम आपको दर्शन करने के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, क्या बताएं माता, आजकल हम घूमे कहां घूमे, दुनिया महाराज एक दूसरे को देख करके जलने लगी है। अरे तो ठीक है नारद जी, ऐसा करो बहुत दूर से आए हो, पहले जलपान करो। तो अनुसुई नारद जी के लिए ब्रह्माणी ने सुंदर लड्डू उनके सामने रख दिए, जलपात्र रख दिया और नारद जी ने जैसे ही महाराज लड्डू खाया तो एक ही बात निकली, मां बड़े सुंदर लड्डू हैं लेकिन जो स्वाद अनुसुईया मैया के लड्डुओं में था वो आपके इनमें ऐसा लग नहीं रही। जैसे ही महाराज का ब्रह्माणी ने कहा कि कौन अनुसुईया, ये कौन देवी और हमसे सुंदर और हमसे स्वादिष्ट लड्डू, क्या बताऊं भैया, उन लड्डुओं का जो स्वाद था अब मैं आपको बता नहीं सकता। अरे उनका पतिव्रत धर्म इतना है, इतना प्रबल है कि बस मात्र अपने पति की ही आन वान को लेकर के संकल्प लेती है और सामने प्रकट हो जाती है जो वस्तु। अच्छा, हमसे ही बढ़कर? नारद जी ने कहा, ये तो मैं नहीं कह सकता भैया। नारद जी ने महाराज अग्नि लगा दी अंदर से और चल दिए।
सीधे महाराज भगवान के वैकुंठ में। लक्ष्मी मैया ने वही जो ब्रह्मा जी ने दिया वही लड्डुओं का प्रसाद नारद जी के लिए प्रदान किया और वही बात नारद जी ने कही, मां अनुसुईया मैया के हाथ के लड्डुओं का जो स्वाद है वो आपके में नहीं है। सज्जनों वहां से सीधे गए आग लगा करके और कैलाश जहां मां जगत जननी जगदम्बा मां भवानी पार्वती विराजमान है और उनको भी महाराज लड्डू पाए, लेकिन वही बात उनसे कह करके तीनों देवियों में और क्रोधाग्नि पैदा कर दी नारद जी ने। अब तो तीनों देवियों ने मन में विचार किया कि भाई अनुसुईया कौन है, आखिरकार नारद जी के मुख से सुना है कि तीनों लोकों में उसके पतिव्रता धर्म का ऐसा प्रभाव, परीक्षा लेना चाहिए। लेकिन परीक्षा हम क्यों लें, हमारे ये पतिदेव कब काम आएंगे। सज्जनों इन तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों को और इसके लिए जबरदस्ती की है, क्या आप जाएं और मृत्यु लोक में कोई अनुसुईया देवी है उसके सतुत्व को परीक्षा लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा। तीनों देव यहां पर आए हैं, साधारण संत का वेश बनाया है, विख्याम देही। उस समय अत्रि महाराज कुलाचल पर्वत पर तपस्ता तपस्या में स्थित हैं। मां अनुसुईया पतिव्रत धर्म के तपोबल से आनंद चित्त अपने वहां पर भगवान के भजन में, पति के भजन में लीन है और जैसे ही कानों में आवाज पड़ी कि कोई संत विख्याम देही की आवाज लगा रहे हैं, जैसे ही ये हाथों में कुछ लेकर के गई, देवताओं को देखा महाराज, संतों को बड़ा ही दिव्य जिनका आकार, जैसे ही महाराज भिक्षा देने लगी, मां हम ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे। अरे महाराज भिक्षा चाहिए आपको, भिक्षा कैसे लेंगे, सुनो नग्न अवस्था में आप आकर के और हमें भिक्षा प्रदान करेंगे तो हम आपकी भिक्षा को स्वीकार करेंगे। अनुसुईया मैया ने विचार किया, भाई संत के लिए भिक्षा मांगने के लिए आया है और भिक्षा हम उसको दे रहे हैं, लेकिन ये शर्त क्या। अंदर गई, जैसे ही महाराज मन क्रम वचन को लगाया, आंखें नेत्र बंद किए, देखा कि आखिरकार कौन है, संत नहीं हो सकते, सारा महाराज सामने आ गया माजरा। ये तो जगत के पिता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और जो जगत का पिता है ये नन्हे बालक उनके सामने चाहे नग्न अवस्था में रहे चाहे कपड़े पहने, क्या होता है। लेकिन पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी, जल लिया हाथ में और मैंने यदि अपने मन वचन क्रम से केवल अपने पति को ही परमेश्वर माना है तो ये तीनों देव छह छह महीने के बालक मेरे सामने हो जाएं। और जैसे ही अंजलि से वो जल के छींटे दिए, सारे तीनों देवताएं छह छह महीने के बालक बनकर के आरंभ से लेकर के अंदर अपनी गोदी में लेकर के महामाया भगवती अनुसुईया ने और स्तनपान केवल वहां पर लिटा दिया और तीनों देव का हमारा छह छह महीने के बालक बनकर के वो पालने में झूल गए। सज्जनों अत्रि महाराज आए और अत्रि महाराज ने अनुसुईया से पूछो, देवी ये कौन। अनुसुईया मैया ने सारा वृतांत बता दिया। अत्रि महाराज बड़ा प्रसन्न है, जगत के पिता आज मेरे आंगन में नन्हे से बालक बनकर के और पालने में झूल गए। लेकिन तीनों महादेवियां बड़ी परेशान, अपने पतियों की चिंता नहीं, वो तो नारद जी को देखने लगी कि नारद जी बता सकते हैं कि वो कहां गए। अरे जब से गए हैं तब तक लौट करके नहीं आए, ऐसी कैसी परीक्षा। लेकिन सज्जनों नारद जी आकाश मार्ग में वीणा पर बड़ी ही स्वर लहरी ब्रह्म विभूषता देवदत्त इमाम वीणाम ब्रह्म स्वर ब्रह्म विभूषता, उस पर केवल वही नारायण नारायण श्रीमन नारायण